नमस्कार दोस्तों, यह है हीरो की न्यू ग्लैमर एक्सटेक 125। हीरो ने ग्लैमर एक्सटेक को न्यू लॉन्च किया है मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जीपीएस और भी कई सारे फीचर्स के साथ। ग्लैमर एक्सटेक में क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, क्या क्या बदलाव किए हैं, अब इसकी कीमत भी नॉर्मल ग्लैमर से 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ गई है। इसकी नई ऑन रोड कीमत कितनी है, माइलेज कितना है, और ग्लैमर एक्सटेक ड्रम और डिस्क दो वेरियंट में आती है, दो कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर इसका जो वाइजर है वो भी फुली चेंज हो चुका है, और इसके ऊपर विंडशील्ड का जो ग्लास है जिसके ऊपर हीरो का 3D में लोगो दिया है, और इसके वाइजर के साइड में मैट फिनिश मिल जाती है ग्रे कलर की, और नीचे की साइड में ब्लू कलर का स्टिकर दिया है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर वही पुराने वाले मिल जाते हैं बल्ब के साथ, और इसकी जो हेडलैम्प है वो फुली चेंज हो चुकी है। अब इसमें आपको फुली LED डीएल्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको फुली LED लाइट देखने को मिल जाती है। इसमें आपको पहले बल्ब वाली लाइट मिलती थी, जैसा कि यहाँ से आप इसकी रोशनी को देख सकते हो। नाइट के लिए काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस इस बाइक में आपको मिल जाती है। इसके नीचे की साइड में चलें तो यहाँ से आप इसके फ्रंट वाले मडगार्ड को देख सकते हैं। इसके मडगार्ड के साइड में IBS का लोगो दिया गया है, और इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं, और यहाँ पर 220 mm का डिस्क ब्रेक का डायमीटर दिया गया है, और इसके सस्पेंशन के ऊपर एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, और यहाँ पर 80/118 का टायर साइज दिया गया है। इसमें C8 कंपनी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, और ब्लैक कलर के शानदार अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और इसके अलॉय व्हील्स के ऊपर ब्लू कलर की स्ट्रिप दी गई है जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। इसके सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक फोर्क टाइप के सस्पेंशन दिए हैं, जिसमें 120 mm का ट्रेबल मिल जाता है। अब इसके सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो इसका जो मीटर कंसोल है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। पहले एनालॉग और डिजिटल टाइप का मीटर कंसोल आता था, तो अब इसमें फुली डिजिटल टाइप का मीटर कंसोल दिया है, और यहाँ पर इंजन माल फंक्शन लाइट, टर्न सिग्नल इंडिकेशन लाइट और I3S की इंडिकेशन लाइट दी गई है, और इसके साइड में गियर की न्यूट्रल लाइट, और यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेशन लाइट और मेन हेडलाइट इंडिकेशन लाइट दी गई है। और यहाँ पर एक नया फीचर्स भी मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेशन लाइट भी मिल जाती है, जो आपको महंगी महंगी बाइकों में भी नहीं मिलती है। यहाँ पर जो है किलोमीटर पर आर की स्पीड, और यहाँ पर किलोमीटर की रीडिंग दी गई है, और यहाँ पर फ्यूल की रीडिंग दी गई है, और यहाँ से आप RPM की लिमिट को देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, और इसमें आप रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर का माइलेज दे रही है, और यहाँ पर कैलेंडर और वॉच भी दी गई है। और इसके ट्रिप 2 से एडजस्ट करें तो यहाँ पर आपको ट्रिप 2 का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आपको एक नया फीचर्स भी मिल जाता है मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। अब आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करके आप इसके सभी फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसमें आपको GPS लोकेशन भी इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको इको मोड भी मिल जाता है। ओवरऑल इसके जो फीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और बाइक के मुकाबले, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की हैंडल बार रॉड दी गई है, और इसके साइड मिरर आपको वही पुराने वाले मिल जाते हैं जो आपको 100 मिलियन एडिशन और ब्लेज एडिशन में मिलते हैं। यहाँ पर पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच दिया है। और इसके नए फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, पहले इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता था, और यहाँ से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर I3S का स्विच और सेल्फ का स्विच दिया गया है। दोस्तों इसको साइड प्रोफाइल की तरफ से देखें तो इसका जो बॉडी कलर और जो ग्राफिक्स और स्टिकर पूरे के पूरे चेंज कर दिए हैं, और नीचे की जो थीम है वो ब्लैक कलर की दी गई है, और ये जो इसका जो कलर है वो मैट ग्रे कलर का दिया गया है। इसके फ्यूल टैंक के ऊपर ग्लैमर का 3D में लोगो दिया है, पहले इसमें 3D में लोगो नहीं मिलता था, और यहाँ पर वाइट कलर का ग्राफिक्स और ब्लू कलर की स्ट्रिप दी गई है, और इसके बैटरी पैनल पर भी ब्लू कलर की स्ट्रिप, I3S का लोगो और प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। और इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो 100/80/18 का टायर साइज़ दिया है, इसमें C8 कंपनी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, और यहाँ पर 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिसको आप 5 टाइम्स के लिए एडजस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको रियर ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। इसकी पीछे वाली जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी इफेक्टिव बना दी है, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका जो रियर वाली जो ब्रेकिंग सिस्टम का जो डायमीटर है वो 130 mm का दिया गया है, और यहाँ पर आपको मैट फिनिश में ग्रे कलर का ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और इसके ऊपर हीरो का स्टिकर दिया गया है। इसके पीछे की साइड में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो टेल लैंप है वो भी बल्ब वाली दी गई है, और यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको बल्ब वाले मिल जाते हैं, और इसके नीचे की साइड में रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। इसके साइड की तरफ चलें दूसरी साइड में तो यहाँ भी आपको
हीरो का स्टिकर देखने को मिल जाता है और यहाँ भी आपको I3S का स्टिकर दिया गया है और यहाँ पर प्रोग्राम डेफाई की बैजिंग दी गई है और ब्लू कलर की स्ट्रिप दी गई है और इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 10 लीटर की दी गई है। इसके पीछे की साइड में ब्लैक कलर का कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड दिया गया है और इसके ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स के ऊपर ब्लू कलर की स्ट्रिप दी गई है जिसके ऊपर ग्लैमर की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। और इसके चैनसेट कवर की बात करें तो प्लास्टिक का चैनसेट कवर मिल जाता है जो कि बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिया गया है और यहाँ पर साइड स्टैंड और मैन स्टैंड मिल जाते हैं और इसके साइड स्टैंड के ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर दिया गया है जो कि एक नया फीचर है इस बाइक में। और यहाँ पर आपको 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके इंजन के ऊपर और यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है लेग गार्ड नहीं मिलता है, कंपनी फिटेड। इसके इंजन और पावर की बात करें तो 125 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया है। इसकी मैक्सिमम पावर है 10.87 PS की 7500 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 Nm का 6000 RPM पर। इसका कर्व वेट है 123 kg और इसमें आपको बैंक एंगल सेंसर भी मिल जाता है। अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो इसका जो इंजन है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ से आप इसके इंजन को देख सकते हो। इसके इंजन के ऊपर हीरो की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल कैप दिया गया है। यहाँ पर ब्रेक पैड और 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है और इसके इंजन के हेड के ऊपर एक सेंसर दिया गया है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको 2 लीटर पेट्रोल रिजर्व करके रखना पड़ेगा और इसके इंजन के हेड के ऊपर एक स्पार्क प्लग दिया गया है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके कैटेलिटिक कन्वर्टर को देख सकते हो जो कि मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है और जिसके ऊपर नीचे की साइड भी आपको प्लेट देखने को मिल जाती है। यहाँ भी आपको सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया है और इसका जो एग्जॉस्ट है वही पुराना वाला दिया गया है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की एक मेटल की प्लेट लगाई गई है और इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी मस्कुलर सा बनाया गया है जैसा कि यहाँ से आप इसकी डिज़ाइन को देख सकते हैं। अब 2200 रुपये ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है साइनोश्योर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।